बनाकर छोड़ूंगा तुझे, पास बनाकर छोड़ूंगा तुझे, बस पंख लगाना बाकी है। बारूद तो खुद ही तेरे अंदर है मेरे शेर, आज की इस क्लास से आग लगाना बाकी है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2025 देने वाले हैं और क्लास 10th एंड क्लास 12th की स्टूडेंट है, तो आज की वीडियो आप लोग लिख काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में देख लीजिए, बोर्ड कॉपी लिखते समय ये गलतियां मत करना। अगर आप भी टॉपर बनना चाहते हैं और आप भी 98% ऑल सब्जेक्ट में लाना चाहते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में क्या सही करना है, क्या गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, पूरी जानकारी इस वीडियो में दिया जाएगा। सबसे पहले आज की इस वीडियो में आपको दिखा दूं कि कॉपी कैसे लिखना है, एक एक चीज, एक एक क्वेश्चन कैसे करना है, सारा इस वीडियो में जानकारी आपको दिया जाएगा। तो आज की वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, प्यारा सा लाइक कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा बाबू, बहुत सारे बच्चे, सबसे पहले तो आपको मैं एक एक चीज वो चीजें बताना चाहता हूं, जब बोर्ड एग्जाम में आप कॉपी लिखने बैठेंगे और हिंदी की कॉपी लिखेंगे, सबसे पहले आपको फर्स्ट पेज, जो इसको कवर पेज बोला जाता है, ये सारी चीजें आपको क्लियर भरना है। वो कैसे भरना है उसका मैं पर्सनल एक वीडियो बना दिया हूँ, जिसमें आपको रोल नंबर, अंकों में, शब्दों में, क्लासरूम, सारी चीजें एक पर्सनल वीडियो बनाया हूँ। अब इसके बाद जब अंदर प्रवेश करेंगे कॉपी के अंदर, तो आपको क्या क्या चीजें कैसे फिलअप करना है भाई, जो एक टॉपर अपनाते हैं और वही बच्चे बोर्ड एग्जाम में टॉप करते हैं। तो आपके भी पास दो हाथ है, जो टॉपर भी टॉप करते हैं उसके भी पास दो हाथ होता है, दो आंख होता है, उसके पास जो सेम चीज है आपके पास भी है, बट वो हार्ड वर्क की जगह पे स्मार्ट वर्क करते हैं, और वही चीज आपको भी करना है। आज की इस वीडियो में वो सारी चीजें आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूं। ध्यान से देखिए बाबू, आप क्लास 12th की स्टूडेंट है, क्लास 10th के, सबसे पहले कॉपी में हिंदी का पेपर में खंड वाइज आता है कि आप 12th की स्टूडेंट है, तो आपका पेपर जो आएगा ये खंड क एंड खंड ख, दो खंड में आएगा मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं, मेरी बात को पहले ध्यान समझिए। देखिए, दो खंड में 12th का पेपर आएगा हिंदी का, खंड क आएगा, एक आएगा खंड ख। अब देखिए क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे, खंड क में 7 क्वेश्चन, 1 से लेकर के 7 क्वेश्चन करने हैं, और खंड ख में भी यानी कि 8 से लेकर के 14 क्वेश्चन, यानी टोटल 7-7 क्वेश्चन करने हैं आपको। आप समझिए, बहुत सारे बच्चे को देखा हूं कि खंड क वाले प्रश्न को खंड ख वाले पेज में लेकर जाके सॉल्व करते हैं, यहीं से तो नंबर कट जाता है, और वो चीजें आपको जानकारी होना चाहिए पेपर देने से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं, और एक एक चीज, एक एक सावधानी को कैसे बरतना है और क्या क्या करना है, जो कि आप टॉपर में नाम आ सके आपका। सबसे पहले आप खंड, किसी भी कॉपी को लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले मार्जिन लाइन, मार्जिन लाइन मेरे प्यारे बच्चों, ये साइड में जो आप देख रहे हैं पतली सी लाइन है, ये ब्लैक पेन से अपने स्केल से खींच लेना है पूरी कॉपी को, कॉपी मिलते ही पेपर के साथ। सबसे पहले पेपर स्टार्ट होते समय आपको हिंदी का खंड वाला खंड क सबसे ऊपर लिख लेना है, जैसे कि मैं आपको दिखाते चल रहा हूं, खंड क लिख लीजिएगा, और तब से स्टार्ट करना है क्वेश्चन वाइज क्वेश्चंस को। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख लेना है, क्या लिखना है बाबू, प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे लिख लीजिएगा पहला। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं बार बार डालू क्या इस प्रश्न को, नहीं भाई, प्रश्नोत्तर संख्या एक बार जब लिख लिए और एक यहाँ पर लिख दिए आप, इसमें 5 विकल्पी क्वेश्चन आएगा मेरे शेर, और 5ों का ऐसे इंडिकेट करना, जैसे कि यहाँ पे देखिए 5 का ये पहला के क ख ग घ अंग, 5 बहुविकल्पी आएगा मेरे बाबू, ऐसे क ख ग घ अंग करके डाल लीजिए, और 5ों का जो विकल्प सही है ना, क नंबर का जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, 2nd नंबर का ये संपूर्णानंद वाला ऑप्शन उतार दिया गया है, सेम क नंबर का विकल्प कौन सही है बाबू, ये दूसरा सही है, तो प्रेम सागर ये विकल्प को उतार दिया गया है, जो सही विकल्प है उसी को इसके आगे ऑप्शन डाल के उस चीज को उतार देना है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। आप लोग बहुविकल्पी को आराम से 10 क्वेश्चन आता है, पद सहित गद्य सहित दोनों मिलकर के 10 नंबर का आएगा, और इसी फॉर्मेट में जब लिखेंगे तो एक भी नंबर काटने की जरूरत नहीं होगी एग्जामिनर को, ठीक। तो इस तरीके से आप 5ों बहुविकल्पी कर लेंगे कि नहीं, 5 नंबर तो कोई नहीं रोकेगा इस तरीके से, इस फॉर्मेट में जब आप लिखेंगे, और टॉपर सेम यही फंडा अपनाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि कैसे लिखना है सर, ये प्रश्नोत्तर संख्या आपका देख रहे हैं बाबू दूसरा है, क्या है, दूसरा है,
और जब यहाँ पे दूसरा लिख लिए आप तो यहाँ पे दूसरा में भी पांच क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि तो पद साहित्य से क्वेश्चन होता है। क ख ग घ अंग पांच है ना बाबू, इसमें भी क का दूसरा सही है विकल्प मान लीजिए क्वेश्चन पेपर का, तो आपका यहाँ पे उत्तर जो है उसको छाप दीजिए। इस तरीके से ख का चौथा विकल्प सही रामधारी सिंह दिनकर। इस तरीके से पांचों जो विकल्पिक क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाले, इस सारे के सारे इसी फॉर्मेट में जब आप लिखेंगे गद्य साहित्य से पांच मिल जाएगा नंबर, और पद साहित्य से मेरे बच्चों पांच, यानी कि दस नंबर तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड से मिलकर के आपने दस नंबर अचीव कर लिया। इसी फॉर्मेट में आपको भी लिखना पड़ेगा, तब जाके आप टॉपर में आएंगे। चलिए आगे लेकर के चलते हैं, ये तो था पहला क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन, आराम से कर लेंगे ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ये बात आती है नेक्स्ट, जो तीसरा क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं। क्या गलती करते हैं देखिए, क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्नोत्तर संख्या ऐसे आप तीन लिख लीजिएगा, तीन लिख लिए है ना, क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें गद्यांश आता है बाबू, दो गद्यांश रहता है, एक मेन में रहता है एक अथवा में, और यही बच्चे ना संकेत नहीं डालते हैं। लेकिन मैं बेस्ट कॉपी लिखने का तरीका बता रहा हूं, जैसे यहाँ पे संकेत लिखा हूं ना कि दो गद्यांश जब आपको दिया गया है तो उस दोनों में से किस गद्यांश को आप किए हैं, जो कॉपी चेक करेगा एग्जामिनर भाई उसको पता होने के लिए संकेत डालेंगे तो आसानी से वो कॉपी चेक करेगा और एकदम नंबर फूल देगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। यहाँ पे संकेत डालेंगे जैसे कि धरती माता की, और शुरू वाला दो तीन सब लिख देते हैं, लास्ट में बीच में डॉट डॉट करके लास्ट में उस गद्यांश का दो तीन वर्ड है, जांच पड़ताल आवश्यक है। ये संकेत डालने से एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में दिक्कत नहीं आएगा, फटाक से पहचान लेगा कि हाँ ये बच्चा जो है काफी मतलब जानकारी इसके पास, आराम से यहाँ पे आप डाल लीजिएगा। और यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 इसमें पांच आपके गद्यांश में प्रश्न पूछे रहेंगे। देखिए संदर्भ वाला रहेगा तो संदर्भ हेडिंग डालिए ब्लैक पेन से और अंडरलाइन कर लीजिए मेरे बच्चों, अंडरलाइन करके इसमें प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद भाग में संकलित एवं भारतीय संस्कृत के अध्येता डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित किस पाठ से भाई, तो राष्ट्र का स्वरूप यानी कि शीर्षक से निबंध से क्या है औतरित है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट आप ये भी फंडा अपना सकते हैं, यहाँ पे पाठ का नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे शीर्षक का नाम लिख सकते हैं, इस तरीके से भी आप चाहें तो इस आंसर का रिप्रेजेंट आंसर कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका ये दोनों है, आराम से इस तरीके से ये दो नंबर वाला का आंसर जो जिस तरीके से पूछा है आराम से लिख लीजिएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें पूछेगा गद्यांश में, इस तरीके से हेडिंग लगा के इसकी व्याख्या कर लीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, तीन नंबर वाला क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है ना। आप देखिए इसमें तीन नंबर वाला में पांच नंबर क्वेश्चन का यहां तक आंसर था, पांच नंबर तक ले हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, अब कोई कोई बच्चा बोलता है कि सर मान लीजिए कि हमें मेन वाला तो आ नहीं रहा लेकिन हमें अथवा वाला क्वेश्चन आ रहा है तो उसको कैसे लिखेंगे सर, आइए आइए वो चीज हम आपको बताते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या लिखिएगा बाबू ऐसे चार, मान लीजिए कि चार नंबर जो ये पद्यांश आता है इसमें से आपको मेन वाला नहीं आ रहा है बाबू, अथवा वाला आ रहा है, तो यहाँ पे चार डाल के अथवा डाल दीजिएगा, इससे भी एग्जामिनर को पता चल जाएगा ये जो बच्चा है चार का अथवा वाला पद्यांश कर रहा है भाई। अब यहाँ पे एक और चीज, संकेत भी जब डाल देंगे तो पूरा आसान हो जाएगा उसको कॉपी चेक करने में, एकदम थोड़ा सा त्रुटि भी होगा ना फुल नंबर देगा, तो आप लोग एकदम बढ़िया से ध्यान रखते हुए चलेंगे। संकेत में लज्जा शिलापति कैसे डॉट डॉट करके मानताएं मिटाना, ये इसका संकेत हो गया। इस पद्यांश में संदर्भ पूछा रहेगा, इस तरीके से संदर्भ आराम से थोड़ा स्पेस दे दे करके ब्लैक पेन जहाँ पे यूज करना है वहां ब्लैक पेन का यूज करिएगा, जहाँ पे ब्लू पेन है वहां पे ब्लू पेन का यूज करना है, ऐसे ही अच्छे से आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से लिख लीजिएगा। इसमें भी पांच क्वेश्चन रहेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, आराम से कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, लेकिन यहां से स्टार्ट होता है मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है एक आपके लेखक का साहित्यिक पर्चे, और क्वेश्चन नंबर 5 का ख जो आएगा वो आपके कवि का साहित्यिक पर्चे। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखा है 5, और 5 के क में आपके लेखक का यहाँ पे साहित्यिक पर्चे आएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आपको 5 के क कर रहे हैं
और तो किस नंबर पे है, तीन विकल्प रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, पेपर में तीन विकल्प किसी एक लेखक का साहित्यिक पर से लिखना है। मान लीजिए पहले ही नंबर पे है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे ही आपको भी अच्छे से टॉप में यहाँ पे हेडिंग लगा देना है और इनका यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डाल के और यहाँ पे लिख लीजिएगा जीवन परिचय, ठीक है। और यहाँ पे देखिए साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल के आराम से साहित्यिक परिचय भी यहाँ पे लिख लेंगे। और यहाँ पे थोड़ा सा इसमें और चीज है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे कृतियां है इनकी, या टोटल सी कृतियां जो आलोचनात्मक कृतियां है, ये सारे दो चार ठे करके जितना मतलब कम से कम पांच लिखिएगा भाई कृतियां। यहाँ पे निबंध संग्रह जो है आराम से लिख दीजिएगा, इसमें उपन्यास जो है आराम से लिख दीजिएगा, आपका टोटली कितना नंबर मिल जाएगा, पांच नंबर, कोई नहीं रोकेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। इसी तरीके से जब आप लिखेंगे फुल में फुल नंबर देगा। चलिए आगे चलते हैं, ये तो आपका लेखक का साहित्यिक परिचय था, लेकिन अब आ चुके हैं कहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या आपके पांच का ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ख है। लेकिन ये किसका है, तो ये कवि का है, ये किसका है भाई, ये कवि का आपका साहित्यिक परिचय है। अब देखिए इसमें हमने यहाँ पे हाइलाइटर का यूज किया है ताकि आपको याद दिला सकूं कि आप ऐसी गलती नहीं करिएगा, नहीं तो नंबर पक्का कट जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में हमने लिखा है यहाँ पे, सबसे पहले जीवन परिचय हेडिंग ऐसे डाल लीजिएगा। एक एक चीज पॉइंटली ध्यान रखना है, इनका जन्म सन किस सन में हुआ था, तो 1888 में, किसका, मैथिली शरण गुप्त जी का। तो आपको हाइलाइटर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है, बस सन जो है इसको ब्लैक पेन से लिख सकते हैं और हाइलाइटर का वहां पे बोर्ड की कॉपी में यूज नहीं करना है। ये चीजें आपको यहाँ पे इनके पिताजी का नाम ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। ऐसे ही साकेत जो हो गया, मंगला प्रसाद हो गया, पद्म भूषण हो गया, ये सारी मेन मेन जो पॉइंट है कीवर्ड के रूप में है, इसको ब्लैक पेन से लिखना है। और इनका जो मृत्यु सन है 12 दिसंबर 1964 है, इसको ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। और ये जो हाइलाइटर है ना, इसका हाईलाइट किया हूं, इसको यूज नहीं करना है, इस तरीके से लिख लीजिएगा। साहित्यिक परिचय जो है इस तरीके से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे इसमें जो भी है आलोचनात्मक कृतियां आराम से इस तरीके से पूरा पूरा अच्छे से लिख देंगे, पांच नंबर, कोई नहीं रुकेगा। और इसी तरीके से जब आप लिखेंगे तो ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। चलिए आगे अब लेकर चलते हैं हम नेक्स्ट, ये चीज हो गया था ना, ये हाँ ये चीज, अब हम लेकर चलते हैं बाबू यहाँ पे क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 6 है ये। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या आता है, आप सभी को मालूम है कथा वस्तु कहानी पे आता है सब, इसे यहाँ पे पूछ देगा लाठी कहानी के बारे में, बहादुर के चरित्र चित्रण के बारे में पूछ देगा। इस तरीके से आप लोग अच्छे से कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर ऐसे लिख लीजिएगा 6। और जैसे कि बहादुर के चरित्र चित्रण करना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बहादुर के प्रमुख पात्र, बहादुर की चरित्र चित्रण, आराम से ऐसे कर लेंगे कि नहीं, हेडिंग लगा के आराम से जितने भी चरित्र है उनका, छल कपट रहित, दूसरा है परिश्रमी हसमुख एवं मृदुभाषी, इसके बाद तीसरा क्या है बाबू, सहनशीलता ईमानदार एवं सच्चे हृदय वाला, आराम से एक एक पॉइंट जो उनका चरित्र का है आराम से इस तरीके से लिख लीजिएगा। आगे वाला एक और है इसमें, जैसे कि यहाँ पे मातृ पिता भक्त, वह अपने माता पिता के सच्चे भक्त थे, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, आराम से आपका कितना नंबर मिल जाएगा प्यारे बच्चों, पांच नंबर, एक नंबर भी नहीं कटने वाला है अगर इस तरीके से आप लिखेंगे। चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं बाबू, ये देखिए ये क्या है, यही तो मेन चीज बताने वाला हूं, यही बहुत सारे बच्चे को जानकारी नहीं था। और आप सभी कोचिंग जहां भी पढ़ते हैं अपने अपने कोचिंग में वगैरह ऑफलाइन ऑनलाइन, तो सारे जगह बताया जाता है कि जो प्रश्नोत्तर संख्या क्या आता है बाबू, ये 7 नंबर जो आता है ये आपके जिले वाइज आता है। आप मान लीजिए कि आप किसी जिले से, मान लीजिए मैं बलिया जिला से हूँ, बलिया जिला में कम से कम 5 से 7 जिलों को मिला लेगा, जैसे बलिया जिला हो गया है ना, बलिया हो गया, ऐसे ही मतलब बहुत सारे जिले को जोड़ देता है, 5 से 7 जिले को बना देगा और उसी जिला में क्या करेगा कि 2 क्वेश्चन डाल देगा कि हाँ इस जिले के बच्चे, इस जिले के बच्चे, इस जिले के बच्चे, ये मात्र 2 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, या 2-3-6 क्वेश्चन दे देता है, इसी में से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको याद करना है, इसी में से आएगा। तो आप किस जिले से है भाई, मुझे तो पता नहीं, आप किस जिले से कमेंट में थोड़ा बताइए ताकि हम भी जाने कि हमारे बच्चे यहाँ यहाँ से देख रहे हैं, ठीक।
आप किस जिले से कमेंट कीजिए, और प्रश्नोत्तर संख्या 7 का यहाँ पे ऐसे ही प्रश्नोत्तर संख्या डाल के आप, जैसे कि जिस श्रवण कुमार के पर भी आता है, रश्मि रथी पे भी आता है, जिस जिले से आप उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 7 डाल के और यहाँ से अच्छे से साफ साफ लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है ना, कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका समाप्त होता है। जो आपका खंड कौन था बाबू, जो आपका खंड था यहाँ पे देखिए ध्यान से, खंड क था ना, ये आपका समाप्त हो चुका है। खंड क 7 क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के तो केवल आपके खंड क से ही आएगा। अब यहाँ से नया जर्नी स्टार्ट होगा खंड ख वाला। चलिए दिखाते हैं आगे, चलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ना, तो ऐसे ही मैंने सिखाया कि खंड क वाले क्वेश्चंस को खंड ख वाले में नहीं ले जाना है, बिल्कुल भी नहीं करना है ऐसा। यहां से स्टार्ट होगा खंड ख, खंड ख स्टार्ट होगा। अब यहां से नया जर्नी भाई स्टार्ट कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे 8 और 8 का क्या है, क है। 8 का क भी करेंगे, 8 का ख भी करेंगे। क में क्या होता है ध्यान समझिए, इसमें आपको एक गद्यांश दिया जाता है जो कि संस्कृत में रहता है, और संस्कृत के गद्यांश का आपको क्या लिखना होता है, संदर्भ लिखना होता है, अनुवाद करना होता है, तब जाके 7 नंबर मिल जाता है। ठीक है, तो आराम से समझिए कैसे प्राप्त करेंगे 7 नंबर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर ऐसे 8 का क लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, संकेत डाल लीजिएगा जैसे कि आपको गद्यांश में मैंने बताया है, वैसे संस्कृत का भी संकेत डाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे संदर्भ लिख लीजिएगा, संदर्भ पे 2 नंबर मिल जाता है प्यारे बच्चों, और वही अनुवाद करेंगे उस गद्यांश का तो यहाँ पे 5 नंबर मिल जाएगा। टोटल अगर बात कर लिया जाए 2+3 कितना हो जाएगा बाबू, 2+5 कितना हो जाएगा, 7 नंबर आपका यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है 8 का क्वेश्चन से। अब चलते हैं आगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या है क्वेश्चन नंबर 7 का है, सॉरी 8 का ख, ये क्या है, ये आपको संस्कृत में श्लोक दिया जाता है, यानी पद्यांश कह सकते हैं, श्लोक कह लीजिए, पद्यांश कह लीजिए, ये भी आपको सेम वैसे ही करना है, इस संकेत डाल लेना है आराम से, जो चीज है संकेत पद्यांश वाला आराम, संदर्भ लिखेंगे उस श्लोक का, अनुवाद कर लेंगे आराम से, 2+5 कितने नंबर का हो जाएगा बाबू, ये 7 नंबर का भी श्लोक आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसी तरीके से आप लोग लिखिएगा। और यहाँ से स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में किसी एक का यहाँ पे मुहावरा या मुलकुक्तिया जो आता है वही चीज लिखना है, तो 1 नंबर ही बताया गया है इसमें, जिसे तलवार की धार पे चलना, इसका पहले अर्थ लिख देते हैं और इसी चीज का वाक्य में प्रयोग, तो प्रयोग लिखेंगे ऐसे ब्लैक पेन से, ठीक है ना, दिख रहा है ना आपको, ऐसे प्रयोग कर देना है और कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 9 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। चलते हैं यहाँ पे 10 नंबर पे, ध्यान दीजिएगा, एक चीज मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, इस प्रश्नोत्तर संख्या क्या है 10, 10 का क, न्यू सिलेबस के अनुसार अब बदलाव कुछ हुआ है बाबू, जैसे कि पहले आपका क्वेश्चन नंबर 10 में जो अपठित गद्यांश आता था वो पहले नहीं आता था, लेकिन अब आ रहा है 2 साल से, तो यहाँ पे आपको एक गद्यांश दिया जाएगा और उसका भी संकेत आप लिख देंगे, चाहे तो नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इसमें अथवा में नहीं होता है संकेत, ठीक है, यहाँ पे आप संकेत नहीं लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें 3 क्वेश्चन रहता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इस अपठित गद्यांश को हल करते समय पहला का मान लीजिए उत्तर दे दिए इस तरीके से, और क्या करते हैं कि दूसरा नंबर डाल के छोड़ देते हैं कि चलो हम बाद में कर लेंगे, और बाद में नहीं कर पाते हैं, समय बचता ही नहीं है, छूट जाता है क्वेश्चन, तो नंबर कटेगा पक्का। इसलिए हम आपको यहाँ पे ध्यान दिलाने के लिए कि आप ऐसी गलती नहीं करिएगा, फर्स्ट नंबर का आंसर डाल के जैसे ही आपको दूसरा भी आए वैसे ही भरते चलिएगा, कोई भी क्वेश्चन ऐसे छोड़िएगा मत, नहीं तो ऐसे ही ब्लैंक रह जाएगा और आपका यहाँ पे ये 2 नंबर का, यहाँ पे 2 नंबर का, यहाँ पे 1 नंबर का, 5 नंबर का, ये आपको गद्यांश जो है 2 नंबर पक्का कट जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों, एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं छोड़ना है, लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि कौन सा क्वेश्चन किए हैं, कौन सा छोड़ दिए हैं, उसको भी विशेष ध्यान रख के पूरा करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन जो एक दिख रहा है आपको, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 का क, 11 का क है प्यारे बच्चों। इसमें भी आपको जो शब्द अर्थ होता है वस्त्र और आदत, ये सभी शब्दार्थ हैं, इस तरीके से कमल और बादल, ये सभी चीजें आपको प्रेजेंट करना है इसी फॉर्मेट में, जैसे सारी चीजें मैं बताते चल रहा हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 का ख है, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अंबर का दो दो प्रवासी होता है ना, वही चीज लिखना है, जैसे अंबर हो गया,
आकाश लिख लीजिएगा, एक वस्त्र लिख लीजिएगा। आराम से इसी फॉर्मेट में अच्छे से जब लिखेंगे तो एक भी नंबर कटने का चांस नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आपका क्या था बाबू, ये आपका ख था। ऐसे क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 का ग है, इसमें भी आपको दो क्वेश्चंस रहेंगे, ऐसे ही आपको आराम से लिख देना है आंसर, पूरा सटीक देखना है, ठीक है, आराम से लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है 11 के घ, 11 के घ में जो शुद्ध अशुद्ध वाक्य आता है प्यारे बच्चों, शुद्ध अशुद्ध, आराम से शुद्ध अशुद्ध को कर लेना है, जैसे पहला है दूसरा है, यहाँ पे दोनों को शुद्ध करके लिखा गया है, इसी फॉर्मेट में आप आराम से लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चलते हैं, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है 12 का क है, इसमें अथवा वाला हम बताए हैं, तो अथवा वाला ऐसे आप कीजिएगा, मेन वाला रहेगा तो अथवा लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जिससे हास्य रस का परिभाषा बताए हैं, तो यहाँ पे परिभाषा हास्य रस का आराम से दो लाइन में तीन लाइन में जाएगा, आराम से लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, इसका यहीं पे उदाहरण भी देना है। नन्ना वह नन्ना बेसा विहसे शिव समस्त निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहु पद पाहू, पद पाहू। आराम से इसका एग्जांपल भी लिख लीजिएगा सटीक तरीके से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए आपका 12 का क्या है, ख है, इसमें आपका जो अलंकार आता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे जिससे ख नंबर में आएगा श्लेष्म अलंकार हम लिखे, इसमें आप भी आराम से इसका थ्योरी लिख लीजिएगा, इसमें एग्जाम्पल भी है, उदाहरण भी आराम से दो लाइन में जाएगा, आराम से लिख लेना है। इसके बाद स्पष्टीकरण भी कहता है, स्पष्टीकरण ऐसे आराम से एक एक चीज समझ लीजिए, पेपर में ऐसे ही छाप देना है। चलिए अगला है इसी में, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का यहाँ पे ग, जो कि ये छंद से पूछा जाता है। छंद जैसे कि आपको दोहा के बारे में बताना है, तो दोहा का परिभाषा चार लाइन में जाएगा, इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका आप उदाहरण पूछता है, तो उदाहरण भी इसके मात्रा के साथ लिख लेंगे, ऐसे ही आपका यहाँ पे दो नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना प्यारे बच्चों, आराम से ऐसी पूरी जानकारी ले लीजिए। चलते हैं अब आगे, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर क्या है, 13 है, और क्वेश्चन नंबर 13 जो आता है ये आपका पत्र लेखन आता है। क्या आता है प्यारे बच्चों, पत्र लेखन, और ये पेपर में आपका कितने नंबर का आता है बाबू, 6 नंबर का। कितने अंक का आता है प्यारे बच्चों, 6 अंक का आता है, और इस मतलब इसको आराम से क्वेश्चन नंबर ऐसे डालिएगा, पत्र लेखन, मैं यहाँ पे इसको नहीं डालना है कॉपी में, लेकिन मैं आपको याद दिलाने के लिए लिखा हूँ, तो यहाँ पे सेवा में लिखना है, यहाँ से आराम से सेवा में डाल के कॉमा लगा के इसको छोड़ करके श्रीमान महोदय जो भी कुछ लिखना है आराम से लिख लीजिएगा, कि नहीं आराम से पूरा अच्छे से लिख लीजिएगा पत्र लेखन, आपका 6 नंबर पक्का मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से ये क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। अब यहाँ से चलते हैं 14 की तरफ, 14 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 अभी यहीं पे हम बता देते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए आगे वाला क्वेश्चन जो होगा, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है प्यारे बच्चों, प्रश्नोत्तर संख्या है आपका 14, क्या है प्रश्नोत्तर संख्या 14 है, ध्यान दीजिएगा। ये 14 नंबर जो आपका आता है, ये आता है आपका निबंध लेखन। क्या आता है प्यारे बच्चों, निबंध लेखन आता है, याद रखिएगा, क्या आता है निबंध लेखन। किसी भी टॉपिक पे जब आप निबंध लेखन लिखेंगे तो ध्यान रखिएगा ये आपका कितने नंबर का मिलेगा, 9 नंबर मिलेगा। कितने नंबर प्यारे बच्चों, 9 नंबर। आराम से क्वेश्चन नंबर ऐसे डाल के निबंध लिख रहे हैं तो ये आपको हेडिंग नहीं डालना है। किसी भी टॉपिक पे जब आप लिख रहे हैं, सपोज कीजिए कि आप लिख रहे हैं किसके बारे में, प्रदूषण की समस्या पे, तो आराम से यहाँ प्रदूषण का क्या लिखेंगे, प्रदूषण का अर्थ लिख लीजिएगा ऐसे, ठीक है। और इसी के विषय में आप चर्चा कर दीजिएगा दो चार लाइन, एक एक चीज एक एक हेडिंग लगा के आराम से लिख लीजिएगा। आपका यहाँ पे हिंदी की कॉपी ऐसे ही पूरी अच्छे से लिखेंगे, आपका एक भी नंबर कटने की चांस नहीं रहेगा, और ऐसे ही टॉपर भी लिखते हैं प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, देख रहे ना, एक एक चीज ऐसे ही आपको पूरे अच्छे से लिखना है। ये खंड आपका ख कंप्लीट होता है, और खंड ख से भी कितने नंबर मिल जाते हैं आपका, 50 नंबर। इस तरीके से आपको कॉपी लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है ना,
आराम से एक एक खंड को पूरा कर लेना है प्यारे बच्चों, देख रहे हैं ना, पूरी मैं आपको कॉपी दिखा दूं एक बार, आराम से ऐसे लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। यहाँ पे देखिए अभी लेकर के हम चलते हैं फर्स्ट पेज पे। फर्स्ट पेज में आपको ये चीजें आपको क्लियर थोड़ा दिखेगी अभी, जस्ट चलिए। आपको मैंने क्वेश्चन नंबर खंड क का बता दिया, खंड ख का भी बता दिया, बहुविकल्पी क्वेश्चंस को ऐसे आराम से लिख लीजिएगा। और इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आपको पीडीएफ भी हम दे देंगे। आपको क्या करना है, पीडीएफ लेने के लिए सबसे पहले एक टेलीग्राम पे ज्वाइन होना होगा, टेलीग्राम, ठीक है ना प्यारे बच्चों। टेलीग्राम का नाम बता रहा हूँ, उसको जाकर के जुड़ जाइए, उसमें इसका पीडीएफ दे देते हैं। डीके सर क्लासेस, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, डीके सर क्लासेस, डीके सर क्लासेस, डीके सर क्लासेस आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, या व्हाट्सएप चैनल एक बनाए हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, एरो के नीचे क्लिक करेंगे वहां पे जाएंगे, व्हाट्सएप चैनल का लिंक में जुड़ जाइए, आराम से इसका पीडीएफ दे देंगे, और अन्य बच्चों में इसको शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही आपको इंग्लिश का कॉपी लेकर आ रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स प्रवासी।